दोस्तों सीन होने से बचा। इन कुत्तों ने, देख सकते हैं आप, इस पर हमला कर दिया था तो मैंने बचा लिया अभी। तो दोस्तों देख सकते हैं लिट्टी बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और यह सत्तू तैयार है, अब इसको भाड़ा जा रहा है आटे। और यहाँ पे लिट्टी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, अभी बन रहा है लिट्टी हमारा। शादी से पहले बोल रही थी दीदी, हाँ। और अब हमने जाके पूरी करी है वो भी, हाँ। शादी के बाद। तो अभी देखते हैं दीदी का रिएक्शन क्या होने वाला है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो दोस्तों अभी तो हम लोग उठ चुके हैं, सभी लोग उज्जवल गए खेलने, जैसे कि आपको पता है पिछले व्लॉग में भी देखा होगा आपने, वो खेलने जाता है। तो अभी तो पापा को ड्यूटी जाना है 8 बजे, तो पूजा वूजा में लगे हुए हैं, और लूसी को भी खाना दिया क्योंकि उसे ले चलना है भी टहलाने के लिए, तो उसको भी खाना ना दिया है, वो बाहर भी खाना खा रही है। बाकी मम्मी वम्मी सब साफ सफाई में लगी हुई है, तो देख सकते हैं मम्मी बर्तन धोने में लगी हुई है। पिछले व्लॉग में देखा था पापा ने धोया था बर्तन, लेकिन आज मम्मी धो रही है क्योंकि पापा का ड्यूटी जो है 8 बजे से ही है, तो मम्मी धोने में लगी हुई है। बाकी पापा पूजा कर रहे हैं, इधर से आएंगे अभी, ये देख सकते हैं पापा इधर पूजा कर रहे हैं। और ये जो आयुषी है, ये जो आयुषी है, ये देखिए घोड़े बेच के सो रही है, और हमारा लूसी बाहर खाना खा रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और एक तोता तो हमारा उड़ ही गया बेचारा, एक बेचारा बैठा हुआ है अकेले, इधर लूसी खाना खा रही है, खाना खाएगी फिर उसे टहलाने ले चलेंगे। तो दोस्तों फाइनली लूसी ने खाना खा लिया है, अब इसे घूमने जाना, देखिए घूमने जाने के लिए तैयार बैठी है। घूमने जाना है क्यों लूसी, घूमने जाना है? इसको भी पता नहीं है अभी कि ये क्या है, ऐसी घूरती है इसको, अभी घूमने चलना है, चलो घूमने चलो आ जा। तो चलिए दोस्तों इसको लेके चलते हैं, पता ही आपको सुबह सुबह इसको जूनियर फील्ड से घुमाने ले जाते हैं, चलिए जूनियर फील्ड चलते हैं इसको लेके, चलो उसको मत छेड़ो, चलो इसे तोते से खेलने में ज़्यादा मज़ा आता है दोस्तों, छेड़ती है ना उसको, चला जा। दोस्तों सीन होने से बचा, इन कुत्तों ने, देख सकते हैं आप, इस पर हमला कर दिया था तो मैंने बचा लिया अभी, और इसको कैसे कैसे बचाया है मुझे पता है, अभी भी आ ही रहे हैं वो लोग। तो दोस्तों फाइनली डे टू, लूसी आ चुकी है जूनियर फील्ड घूमने के लिए, ये डे टू है, पिछले व्लॉग में भी देखा होगा आपने जूनियर फील्ड लेके आया था उसको पहला दिन, तो आज डे टू है उसका जूनियर फील्ड में। तो दोस्तों इसकी वॉकिंग कंप्लीट हो चुकी है, एक राउंड पूरा किया इसने अभी, अब मैं सोच रहा हूँ इसको रनिंग कराऊँ, इसकी वॉकिंग तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन वो रनिंग के लिए चाहिए प्रॉपर कोई साथ हो, क्योंकि मेरे पास तो बहुत सारे गैजेट हैं, जैसे हमारा ये गोप्रो भी है हमारे साथ और मेरा फ़ोन भी है, तो मैं भाग तो पाऊँगा नहीं, लेकिन ट्राई करते हैं चलो वर्कआउट कराने की इसकी रनिंग का। तो दोस्तों फाइनली इसकी रनिंग भी हो गई, रनिंग भी करा दिया, मेरी सांस फूलने लगी मेरी भी, पूरा एक राउंड मारा इसने लगातार बिना रुके, तो भाई बहुत बड़ी बात है इसके लिए अभी, और ये पॉटी सू सू कर रही है। तो चलते हैं दोस्तों घर चलते हैं, क्योंकि इतना वर्कआउट इसके लिए काफ़ी है अभी, क्योंकि बच्चा है अभी, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और वर्कआउट कराऊंगा इसको। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं हम लोग घर पे, अब देते हैं उसको पानी, क्योंकि वो हो गई है बहुत ज़्यादा, उसको प्यास लगा होगा क्योंकि बहुत इतना टहला वहला के आया हूँ। तो चलिए दोस्तों उसको पानी देते हैं। तो दोस्तों फाइनली नहा लिए हैं, और उज्जवल लेके आया समोसा, तो समोसा का नाश्ता करने जा रहे हैं हम, देख सकते हैं समोसा लेके आए, अभी उसका चाट बना रहा है समोसा चाट, ये प्याज व्याज काट के बनाएगा। और इधर मम्मी से लगी है सफाई में, आज हो रहा है मेरे घर पे किचन की सफाई, तो आप देख सकते हैं पूरा किचन मैंने और मम्मी ने मिलकर धो दिया है, साफ सफाई हो गया है पूरा, अब बस नीचे नीचे का रह गया था, तो मैं कहा मम्मी नहा लेता हूँ मैं, तो मैं चला गया नहाने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा कपड़ा, वो पूरा किचन का सामान यहाँ फैला हुआ है, रूम में फैला हुआ है, हर जगह सामान ही सामान फैला हुआ है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे भी पूरा सामान फैला हुआ है पूरा, क्योंकि किचन का जितना भी सामान है सब बाहर आ चुका है। तो चलिए दोस्तों अभी चलते हैं नाश्ता करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों पापा आ चुके हैं ऑफिस से, ये रहे पापा आ चुके हैं ऑफिस से, और हम और पापा जा रहे हैं, हम
जो कुर्ता है उसको फिटिंग कराने, जो हम कुर्ता लेके आए हैं होली पे पहनने के लिए उसकी फिटिंग होगी। चलिए चलते हैं दोस्तों। फाइनली आ चुके हैं घर पे, नाप आप तो दे दिए कुर्ते का। और दोस्तों दुकान वकान तो मिल ही नहीं जाता, मतलब जो सिलने वलने वाला सब बिजी चल रहे हैं अभी, तो कैसे कैसे मिला है एक तो वहाँ पे दे दिया उन्हें। और यहाँ पे देख सकते हैं मम्मी लिस्ट बनवा रही है, बिल्कुल डिजिटली लिस्ट बन रहा है यहाँ पे, व्हाट्सएप पे लिस्ट सेंड हो रहा है। पापा जाएंगे अभी सामान लाने के लिए, कुछ कुछ होली का आइटम जो भी हो, गुजिया वुजिया बनने का आइटम जा रहे होंगे पापा लाने के लिए। और आज रात में बनेगा शायद से लिट्टी चोखा, तो उसका भी आइटम अभी पापा ले ही आएंगे, तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो बन रही है हमारे साथ। तो दोस्तों अब हम पापा और उज्ज्वल जा रहे हैं सामान लेने के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग निकल रहे हैं हम होली का आइटम लेने के लिए। पापा अभी ऑफिस के कपड़े में हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, आप सीधे मार्केट में मिलते हैं आपसे, देखते हैं क्या क्या शॉपिंग होता है हमारे यहाँ आज। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं हम सामान लेने के लिए, और यहाँ पे पापा निकलवा रहे हैं अब सामान होली का, फ़ोन में देख देख के जो भी सामान है। तो दोस्तों फाइनली हमने सामान ले लिया है, अब जो कैलकुलेशन होता है वो हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ रखा जा रहा है। और ये रहा उज्ज्वल थैला पकड़ने वाला, और ये रही भैया की दुकान जहाँ से हम लोग सामान लेते हैं। तो दोस्तों अब आ चुके सब्ज़ी लेने के लिए, आप यहाँ बैगन ले रहे हैं चोखा के लिए, सामने जो लिट्टी चोखा बनेगा उसके लिए बैगन लिया जा रहा है यहाँ पे। और भी जो जो सामान लगे है वो सब अभी लेके ही जाएंगे इधर से ही, क्योंकि रात में पापा को टाइम मिलेगा नहीं, 5 बजे जाएंगे ऑफिस से, फिर उधर ही लगना पड़ेगा। तो दोस्तों फाइनली सारा सामान लेके आ चुके हैं घर पे, लिट्टी चोखे का भी और होली का भी जितना भी सामान था मैदा वगैरह सब ले आके आ चुके हैं। पापा पापा मम्मी इधर सफाई में भी लगी हुई है अभी भी। तो दोस्तों शाम के बज रहे हैं 6, और यहाँ पे निखिल ध्रुव और श्रेयांश सबके छुट्टी पड़ गई है होली की, तो सब लोग आ चुके हैं यहाँ पे, बैडमिंटन खेलेंगे अब। ये भाई ऊपर बनती है ये? हाँ पता है। निखिल पेपर देकर आया। मैं भी 2 घंटे की नींद है सब मेरी। तो भाई ये सब आए हुए हैं, बाकी अंकित भाई भी आ गए हैं, कॉल कर रहे हैं सबको, बैडमिंटन खेलने के लिए बुला रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं लिट्टी बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, और यही सत्तू तैयार है, अब उसको भरा जा रहा है आटे को सत्तू बन लिट्टी बनाने के लिए। पापा बोल रहे हैं कंडे जाके सही कर लो, लगा लो, क्योंकि फिर जलाना भी है ना उसको। बाकी इधर देख सकते हैं बैडमिंटन खेल रहे हैं लोग, इधर देख सकते हैं, रुक जा ना, देख सकते हैं इधर बैडमिंटन चल रहा है इन लोग का। और दीपक भाई अभी कृष्णा आया था अपने पापा को लेकर इसलिए। तो दोस्तों देख सकते हैं लिट्टी बनाने का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है यहाँ पे, लिट्टी और बैगन सब तैयार हो रहा है यहाँ पे। दोस्तों देख सकते हैं हमारे कृष्णा भाई सबसे पहले ट्राई करते हुए लिट्टी, और इधर प्रणव भी, प्रणव ने सबसे पहले ट्राई करी है भाई। अच्छा तो चलो भाई प्रणव ने सबसे पहले ट्राई करी है, बाकी अभी पापा बाहर, और इधर हमारे वैभव भाई भी आ गए, और हमारे वैभव भाई आ गए हैं, और यहाँ पे लिट्टी का कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है, वही बन रहा है लिट्टी हमारा। तो देख सकते हैं हमारे प्रणव भाई चोखा बनाने में लगे हुए हैं, मैं भी मदद ही कर रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉग शूट कर लूँ आप लोग को भी दिखा दूँ। तो हमारे प्रणव भी लगे हुए हैं, इधर से लाइट आएगी, हमारे प्रणव भी लगे हुए हैं चोखा बनाने हुए। गाइस चोखा खा लीजिए, और लिट्टी पापा बाहर बना रहे हैं, हम लोग भी चोखा बना रहे हैं, तो अभी लिट्टी चोखा सब लोग खाएंगे अभी। कृष्णा तो खा गया वो जाएगा, बाकी हमारे वैभव भाई ये सब बैठे हुए हैं अभी। तो दोस्तों फाइनली हमारा लिट्टी बन के तैयार हो चुका है, अब हमारे दोनों भाई टेस्ट करके बताएंगे, हम लोग रिव्यू करेंगे इसको। हाँ एक शॉट। तो अभी तो अभी सबसे पहले ये लोग टेस्ट कर रहे हैं लिट्टी चोखे को। ना ना तुम लोग खाओ यार, हम अभी तो बनाने ही लगे हुए, तो अभी लोग ये लोग बताएंगे, अभी तो बाहर बन ही रहा है। और प्रणव कृष्णा और हेमू सब साथ में ही गए हैं कृष्णा को छोड़ने के लिए, क्योंकि अभी ऑटो नहीं मिल रहा है, 10 बजे है रात को, तो अभी तो पापा ये लोग लगे हुए हैं बनाने में।
तो जब बनता है तो फिर प्रणव के यहाँ भी जाना है। तो दोस्तों बन तो गया है, पैक भी कर लिए हम, अब जा रहे हैं रितु मैम को खिलाने के लिए, रितु मैम के घर। तो चलते हैं दोस्तों, अभी चलते हैं तुरंत और तुरंत देख आते हैं। फिर इधर रहा प्रणव, अंधेरे में दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा प्रणव और हम जा रहे हैं अभी। तो चलिए चलते हैं, फिर वहीं मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों अब हम लेके आ चुके हैं लिट्टी चोखा, और जो दीदी का फेवरेट है, दीदी ने कहा था बनाने के लिए, तो ये बन चुका है। अब दीदी का रिएक्शन देते हैं। शादी से पहले बोल रही थी दीदी, और अब हमने जाके पूरी करी है वो भी शादी के बाद। तो अभी देखते हैं दीदी का रिएक्शन क्या होने वाला है। दीदी हाय, हेलो, ये आपके लिए। थैंक यू, मैं तो कब से कह रही थी। तो ये था दीदी का रिएक्शन कुछ ऐसा। आप लोग भी खाइए गाइस, लवली गाइस। और अंदर मैम और जीजू भी हैं, उनसे भी हम, और ये रहे मैम, और ये रहा कुछ मैम का रिएक्शन। थैंक यू हर्ष फॉर लिट्टी, थैंक यू हर्ष, थैंक यू, वेलकम वेलकम। और आज मिलवाता हूँ आपको जीजू से, और ये रहे जीजू हमारे। आगे क्या सही है, अरे अरे बहुत कम है वो। तो दोस्तों फाइनली आ चुके हैं घर पे, अब चलते हैं लिट्टी चोखा खाने के लिए हम लोग सब। इधर बाबा रामदेव भी लेट गए हैं अभी, तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम लिट्टी चोखा, आप घर के लोग भी खाएंगे अब। तो दोस्तों अब घर पे सब लोग खाने में बैठ गए हैं, तो देख सकते हैं मम्मी, उज्ज्वल, पापा, आयुषी और इधर मैं, सब अब जा रहे हैं लिट्टी खाने के लिए, देख सकते हैं। और आईपीएल ये मैं मूवी देखते हुए अब लिट्टी का आनंद लेंगे सभी लोग यहाँ पे, देख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों फाइनली खाना तो हो गया हमारा, और लिट्टी का जो टेस्ट था वो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा बना था। तो हम लोगों ने तो खा लिया, और आप लोग भी खाना हो तो आप अपना खुद बनाएं और खुद खाएं, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है लिट्टी बनाने में। आप लोग को क्या ही बताऊँ, हाथ जल जाते हैं बहुत। तो पापा को कह रहे हैं कि हाथ पूरा लाल हो गया मेरा, क्योंकि भाई उसको हाथ में जलते हुए मैं हाथ से पलटना बहुत ही टफ वर्क है वो। ठीक है दोस्तों, तो खाना तो हो गया हमारा। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं पे एंड। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नए ब्लॉग में नए अंदाज के साथ।